क्या उपलक्ष्य है और आप सारे इतने लोगों को दिव्यांगजनों का यात्रा करा रहे हैं, क्या है? ये सुधाताई नीता मैडम से मैं कई साल से जुड़ा हूँ और ये भी हमारी तरह इंसान है। जैसे मेट्रो जब चली तो हमारे भी आई कि भाई बम्बई में मेट्रो नहीं चली है तो हम उसमें जाके जॉय राइड करके आए। तो मेरा परिवार जब जॉय राइड कर सकता है तो ये भी तो हमारा ही परिवार है। तो इसलिए हमारे को ध्यान आया कि इनको स्पेशल एक कोच या दो कोच बुक करा के इनको भी जॉय राइड आज कराई जाए। तो इसके लिए मैंने MMRDA एडिशनल कमिश्नर सोनिया सेठी मैडम से बात की और उन्होंने तुरंत ये अरेंजमेंट्स हमारे लिए करवा के दिया। करीब करीब 60 फिजिकली चैलेंज्ड हैं, इनमें से ज़्यादातर जो ये लोग हैं इन्होंने कभी मेट्रो या रेलवे स्टेशन कभी देखा नहीं है। तो आज जो इनको एक यात्रा करके आनंद आएगा इनको ज़िंदगी भर याद रहेगा। और बम्बई में जितने भी हमारे जैसे लोग हैं उनको इन लोगों का विशेष ध्यान देना चाहिए जिससे कि इनकी ज़िंदगी भी बहुत अच्छे से खुशगवार रूप से निकल सके। कस्तूरबा पुलिस स्टेशन से हो मैं। सर आप सीनियर साहब है, सर तुम्ही पण इथे आला बरेचसे लोकांना चांगलं वाटत आहे, काय म्हणणार? ये हमारे दोस्त हैं राजीव जी, इनके दिमाग में एक अनोखी आइडिया आती है हमेशा। हम इसके पहले फिजिकली चैलेंज इनके लिए हम दहीसर सोनाटके में कश्मीर फाइल दिखाने के लिए गए थे और कश्मीर फाइल देखने के बाद यहाँ देखते हैं ये उनके चेहरे पे जो हंसी आनंद है वो देख के हमें बहुत आनंद मिलता है। आज भी उन्होंने एक अनोखा, एक्चुअली हमारे प्रोग्राम चालू है फिर उन्होंने बोला सर ऐसा है तो बिल्कुल मेरा एक मीटिंग पोस्टपोन करके मैं आया हूँ और ये सब लोगों के चेहरे पे मैं जो आनंद देख रहा हूँ वो कहीं पे नहीं मिलेगा। कितना भी पैसा खर्चा करो ये आनंद नहीं मिलने वाला है। और ऐसे ही अनोखे प्रोग्राम राजीव जी जहाँ जहाँ भी करते हैं वह हमें मजबूरन पहुँचना पड़ता है और उसमें बहुत आनंद मिलता है। सर हमारे जो देणगीदार और हमारे हित चिंतक है माननीय राजीव जी सिंगल, उनके साथ बात हुई और हम लोग ने ऐसे प्लान बनाया कि मेट्रो स्टेशन हमारे बच्चे लोगों को दिखाना जरूरी है। इसमें से काफ़ी स्टूडेंट ने अभी तक ट्रेन सिर्फ पिक्चर में ही देखी है, तो ट्रेन की मजा क्या है और ट्रेन में किस प्रकार से प्रवास होता है ये जो हमारी सर्वसामान्य लोगों की इच्छा होती है तो इनकी भी इच्छा थी और ये इच्छा पूर्ण करने के लिए राजू जी ने काफ़ी हमें हेल्प की है। हमारे सभी वॉलंटियर लोग ने भी इस योजना को उठा के ले लिया। बच्चे लोगों में भी इतनी एनर्जी थी कि काफ़ी बच्चे लोगों ने ट्रेन देखी नहीं थी
तो ये काफ़ी अच्छी योजना है मेट्रो वालों की, प्लेटफॉर्म से तुरंत ट्रेन लग के है, इसीलिए व्हीलचेयर वाले को, कैलिपर वाले को, स्क्रचेस वाले को कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी सोच समझ के सभी लोगों को आसान होगा, इस प्रकार के ये मेट्रो की योजना की है। मेट्रो के सभी स्टाफ को भी धन्यवाद दूंगी, क्योंकि इतने सब बच्चे लोगों को लेकर आना है, परिवार के एक स्टूडेंट को अगर लेके जाना है तो घर वाले बहुत सोचते हैं कि इसको कैसे लेके जाना है, लिफ्ट है कि नहीं है, स्टेप है, कैसे उठाना है, तो ये सब बाजू में रख के ये सभी स्टाफ ने भी हम लोग को काफ़ी हेल्प की, तो इसीलिए मैं धन्यवाद दूंगी। सर वैसे तो स्नेह ज्योत दिव्यांग प्रतिष्ठान, ये संस्था का जन्म 1 साल पहले ही हुआ है, लेकिन इससे जुड़े हुए जब सब हमारे वॉलेंटियर लोग हैं, उन्होंने 10-10, 15-15 साल ये फील्ड में काम किया है। मैं खुद 35 सालों से ये फील्ड में काम कर रही हूँ, तो मतलब ऐसे देखा जाएगा तो हम लोग 35 ईयर से यही काम कर रहे हैं। सर लगभग 1.5 से 2 हज़ार तक स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, लेकिन आज का प्रयोजन हमने ऐसे बनाया कि जिन बच्चे लोगों ने ट्रेन देखी नहीं है और जिनको ज़्यादा दिक्कत है, जिनका सपना था कि ट्रेन में, ट्रेन सिर्फ टीवी पे देखते थे और प्रत्यक्ष में कभी उन्होंने उसका लाभ नहीं उठाया, ऐसे सिलेक्टेड लोगों को ही लेके आए हैं। नेक्स्ट टाइम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा और भी स्टूडेंट को लेकर आएंगे। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं लोकल ट्रेन में भी ट्रैवलिंग कर चुकी हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो में ट्रैवलिंग कर रही हूँ। इट इज़ वेरी एक्सेसिबल। तो मैं एक सोसाइटी को एक न्यूज़ मैसेज देना चाहती हूँ कि अभी घर पे जितने भी बैठे हैं, जो भी फिजिकल चैलेंज है, उनको मेट्रो से ट्रैवलिंग कर रहा है। थैंक यू। अच्छा लग रहा है। क्या आपने इसके पहले भी मेट्रो से सफर किया है, मेट्रो स्टेशन आप आई है? नहीं, कभी नहीं, फर्स्ट टाइम। तो किस तरह का व्यू दिख रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ये जो गवर्नमेंट की ओर से मेट्रो इस वेस्टर्न में शुरू है, इसको लेके आप कुछ कहना चाहेंगे? ये एक अच्छा है, जो प्लेटफॉर्म, जो रूटीन ट्रेन है ना, उसके प्लेटफॉर्म ऊंचे रहते हैं, वो चढ़ने में बहुत दिक्कत होती है हमको। इसके प्लेटफॉर्म क्या स्ट्रेट है, ट्रेन के लेवल में है, तो चढ़ने में बहुत अच्छा है।